जलियांवाला कांड की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह जैसे कई युवकों ने आजादी के लिए अलग राह को चुना। क्रांतिकारी नौजवान आजादी पाने के लिए हिंसा पर उतारू थे, वहीं महात्मा गांधी ने अहिंसा को चुना। महात्मा गांधी के आंदोलन का रास्ता एकदम साफ था। 1920 से लेकर 1922 के बीच असहयोग आंदोलन तेज हो गया था। गांधी जी के आह्वान का असर था कि सिर्फ एक महीने में 90,000 छात्रों ने सारे स्कूल और कॉलेजों को छोड़ दिया। इसी बीच आंदोलन में एक नया मोड़ आ गया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस के नेताओं ने जुलूस का आयोजन किया था। इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी। 1930 में कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का जिम्मा सौंपा गया। 2 मार्च 1930 को ही महात्मा गांधी ने वायसराय को नमक कानून तोड़ने का पत्र लिख दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सरकार को कर अदा नहीं करने का फैसला लिया गया। नमक पर लगाए गए कर को महात्मा गांधी ने गैर कानूनी करार दिया। साबरमती आश्रम से उन्होंने दांडी यात्रा की शुरुआत की। 6 अप्रैल 1930 को बापू हजारों लोगों के साथ दांडी के समुद्र तट पहुंचे और हाथ में नमक लेकर ये कानून तोड़ा। इसके बाद देश में कई और जगहों पर नमक कानून तोड़ा गया। देशवासियों के दबाव में आकर अंग्रेजों ने साइमन कमीशन का गठन किया, लेकिन इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। इसका देश भर में कड़ा विरोध हुआ। इस कमीशन का विरोध करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ पंत को पीटा गया। लेकिन सबसे बुरी घटना घटी लाहौर में। गरम दल के नेता लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा गया। 17 नवंबर 1928 को उनकी मौत हो गई। इस मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। आजादी के लिए संघर्ष जारी था। कई हिंसा तो कई अहिंसा का रास्ता इख्तियार किया जा रहा था और देशवासियों को लगने लगा था कि आजादी उनके बेहद करीब है। डीजी लैंड से मैं शुभकामना देती हूँ अपने क्षेत्रवासियों को कि 15 अगस्त के इस पावन मौके पे इस त्यौहार को, बड़े राष्ट्रीय त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाएं।